चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि तिरंगा नजर आ रहा है और मोदी जी रामलीला मैदान में कहते हैं कि उनके हाथ में तिरंगा देखकर खुशी होती है। ये कहते हैं कि उनके हाथ में, हम उनसे बताना चाहते हैं कि तिरंगा हमारे हाथ में सन 47 से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तुमको तकलीफ इस बात से होती है कि हमने भगवा नहीं उठाया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि तुम भगवा वाले लोग हो। तिरंगा फहराने के लिए कोर्ट का आदेश चाहिए होता है। 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे नागपुर में कोई तिरंगा नहीं फहराया गया। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तब जाकर तुमने तिरंगा फहराया और ये तिरंगा हमने 1947 से अपने हाथों में रखा है और हमारे जुबान से सारे जहां से अच्छा है और हमारे दिल में जल गन मूद है। इन लोगों ने ये सोचा के सीए एनआरसी की लड़ाई जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है, जामिया मिलिया इस्लामिया से शुरू हुई है। तो इनके जहन में एक बात है कि ज्यादातर अक्सरियत मुस्लिम रहते हैं, वही पढ़ते हैं जामिया और अलीगढ़ में। तो ऐसा है, इस आंदोलन को खत्म करना है तो आप यहाँ पर डंडे बरसवाइए, गोलियां पड़वाइए, तो ये आंदोलन जम जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। और अगर भगवान ये चाह ले ईश्वर अल्लाह ये चाह ले कि किसी गलत चीज से कोई सही चीज निकालती हो तो वो निकाल के दिखाता है। इसीलिए आप लोग अंग्रेजी में ये कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सिटी में भी कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कहने का मतलब अचानक से आशीर्वाद मिल जाता है। तो यही हुआ इस आंदोलन को, आपने ये सोचा कि आप चीज को खत्म कर देंगे, लेकिन इस आंदोलन पे देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ के साथ आशीर्वाद दिया और इसीलिए पूरा देश आज सीए और एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहा है। आपने जामिया में घुसकर आंसू गैस की गोली, आपने अलीगढ़ में घुसकर गोलियां चलाई।